हमें समस्याएं, आप सबकी समस्याएं हम लोग जानते हैं। आपके पास समस्या है कि आपके पास पर्चा मिला हुआ है लेकिन आपका कब्जा नहीं है, इसलिए दर दर भटक रहे हैं। आप छोटी छोटी बातों को लेकर करके ब्लॉक में जा रहे हैं लेकिन आपका सुनने वाला कोई नहीं है, कोई आपके जमीन पर दखल नहीं दिला रहा है। तो ये लड़ाई जी मुख्यमंत्री थे तो हर व्यक्ति को, हर गरीब को 3 डिसमिल देने का, 5 डिसमिल देने का वादा किया था, पैसा देने का। सरकारी जो जमीन अगर सरकारी नहीं उपलब्ध है तो प्राइवेट करके दिलाने का काम उन्होंने किया था, लेकिन आज की सरकार इस तरह का काम नहीं कर रही है। तो यही एक समय है साथियों, हमारे जितने यहाँ माता बहन और भाई बैठे हुए हैं, आज सबको विचार करना होगा, आप सबको सोचना होगा कि जब तक आपकी अपनी सरकार नहीं बनेगी, जब तक आपके अपने लोग के द्वारा सरकार नहीं बनेगी, तब तक आपका कोई भला सोचने वाला नहीं है। दूसरा सिर्फ वादा करेगा और वादा करके आपके बीच में भाग जाएगा और फिर वापस नहीं आएगा, सिर्फ उसको आपके वोट की जरूरत है। तो आपको सोचना होगा कि इतने साल हो गए, सब लोग आगे बढ़ गया, हम क्यों पीछे रह गए, हम क्यों अभी तक गरीब हैं, क्या कारण है, क्यों नहीं हमारे बच्चे आईएएस एफपीएस बनेंगे, क्यों नहीं हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, क्या कारण है कि हम नहीं बन रहे हैं। इसका एक ही कारण है, गरीबी कोई कारण नहीं होता है, सबसे बड़ा कारण होता है शिक्षा, समझ, जागरूकता। और उस समझ जागरूकता हम लोग को लाना होगा और हम लोग तभी ला सकते हैं जब राजनीतिक रूप से हम लोग सजग हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। क्योंकि जब तक हम एक नहीं होंगे हमारी ताकत को कोई समझने वाला नहीं है, हमारी ताकत को कोई बताने वाला नहीं है। हमारे पास जनसंख्या बहुत है, अगर सब गरीब एक हो जाए, एक तरफ खड़ा हो जाए तो अच्छे अच्छे के नींद हराम हो जाएगी। यही आपकी ताकत है, उसको पहचानना होगा और उसको पहचान करके आपको हिंदुस्तानी युवा मोर्चा सेक्टर के बैनर तले आना होगा। जब तक अपनी ताकत नहीं दिखाइएगा, एहसास नहीं कराइएगा, तब तक आपका भला नहीं होगा। आप सिर्फ एक बात का ध्यान दीजिए, जब हम लोग के संरक्षक महोदय आदरणीय श्री जीतनराम मांझी जी मुख्यमंत्री थे तो आप लोगों को नजर उठा कर नहीं देखता था, सबको पता था कि इनका एक ऊपर बैठा हुआ, अगर इनके ऊपर कोई दमन करेगा तो ऊपर से आदेश आ जाएगा। तो वो जो डर है, वो जो साहस है, वो जो एहसास है, उसको पैदा करने के लिए आपको एक होना होगा। अपने बीच से किसी को विधायक, किसी को एमपी और जो पंचायती राज व्यवस्था उसमें चुनना होगा, उसके लिए आपको लड़ाई लड़ना होगा। और लड़ाई लड़ने के लिए परेशानी भी झेलनी होगी साथियों, और हो सकता है कि कोई आपको उस ऐसे व्यक्ति जो आपकी एकता पसंद नहीं करते हैं उनसे भी लड़ाई लड़नी होगी।